चंद्रयान 4 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का ऐसा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिससे भारत स्पेस में सबसे बड़ी छलांग लगाएगा। ये छलांग भारत को और बड़ी स्पेस पावर बना देगी। चंद्रयान 4 इसलिए खास और अनूठा होगा क्योंकि वर्ष 2027 में यानी 3 साल बाद चांद तक जाएगा, वहाँ उतरेगा, वहाँ से नमूने इकट्ठा करेगा और फिर वापस लौटकर पृथ्वी पर आएगा। अभी तक ये काम केवल अमेरिका कर पाया है। आज तक केवल अमेरिका ने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर मानव युक्त शटल भेजा है और उसे पृथ्वी पर वापस भी लेकर आया है। ये उपलब्धि अपोलो मिशन को मिली थी। इसके अलावा सोवियत संघ और चीन ने चंद्रमा पर ऐसे गैर मानव मिशन भेजे जो वहां गए और वापस लौटे। अगर भारत ने ये काम कर दिया तो वो भी इनमें शामिल हो जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य चट्टानों और मिट्टी सहित चंद्र नमूनों को इकट्ठा करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। चंद्रयान 3 ने अगस्त 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। उसने वहां नमूने इकट्ठा तो जरूर किए लेकिन उनका विश्लेषण वहां खुद किया। वहां से उसने लगातार तस्वीरें और सूचनाएं जरूर भेजता रहा। चंद्रयान 4 नमूने इकट्ठा करके चांद पर रहने तक उनका विश्लेषण करेगा और फिर उन्हें लेकर भारत भी लौटेगा। आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि चांद पर कैसे पहुंचेगा चंद्रयान 4 और चांद से कैसे वापस आएगा चंद्रयान 4। दरअसल चंद्रयान 4 जब चांद की कक्षा में पहुंचेगा तो एक हिस्सा कक्षा में घूमता रहेगा और दूसरा इससे अलग होकर चांद पर उतरेगा। उसमें से लैंडर निकलेगा, नमूने इकट्ठा करेगा, फिर तकनीक की मदद से लैंडर का नमूना इकट्ठा करने वाला उपकरण लैंडर के लॉन्च पैड के जरिए चांद से कक्षा में चक्कर लगाते दूसरे हिस्से तक पहुंचेगा। वहां नमूनों को ट्रांसफर करेगा और फिर वो हिस्सा वापस पृथ्वी की ओर नमूनों के साथ लौट आएगा। ये खास तकनीक वाला मून मिशन होगा जिसमें 5 पोलर या घटकों को चंद्रमा पर जाने और वहां से वापस आने के लिए अलग अलग हिस्सों में डिजाइन किया गया है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। Oh, oh, oh.